चैनल में आपका दोस्त पंकज कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं उन तीन बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेस हो उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए हेल्पफुल है। चाहे आपको अपनी क्लास में फर्स्ट आना हो, या फिर अपनी क्लास में टॉप करना हो, या फिर अपने बिजनेस में ग्रो करना हो, ऐसी कोई भी सक्सेस हो, इन तीन बातों को आप अपना के इन सक्सेस को अपनी लाइफ में इजीली ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और चलते हैं इन तीन बातों की तरफ। शुरू करते हैं इन तीन बातों को। सबसे पहली सूटेबल टाइम टेबल, और दूसरी है प्रोसीड या फिर टेस्ट मैच, और तीसरी है एक्टिव। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम सूटेबल टाइम टेबल से। सूटेबल टाइम टेबल मतलब आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपके लाइफ स्टाइल के आधार पर आपके लिए बेहतर हो। मतलब कुछ ऐसा इतना बड़ा भी टाइम टेबल नहीं बना लेना कि जो आपके लाइफ स्टाइल के अंदर बाहर चला जाए। लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं तो उसके आधार पर बनाना, अमीर है तो उसके आधार पर, ये वाला लाइफ स्टाइल नहीं। मतलब कई कहीं के घर में काम ज़्यादा होता है तो वो अगर ऐसा टाइम टेबल बना दे जिसमें वो उस काम को जो आपका पैसन है उसको ज़्यादा वक्त दें, और जो आपके घर के लिए घर का काम है जैसे कहीं की खेती बाड़ी का काम होता है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ देते, ऐसे बिल्कुल ना करें तो उसको वो काम नहीं करना पड़ेगा। उस आधार पर उसे अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। और कहीं कुछ और काम होता है जैसे किसी ने अपना जॉब करनी होती है और साइड में अपने साइड बिजनेस भी चलाया तो उसने उसके आधार पर टाइम टेबल बनाना, ये नहीं उसने बिल्कुल ही अपने जॉब को अलग कर देना है और अपने साइड बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक ऐसा सूटेबल टाइम टेबल बनाना है जिसके आधार पर अपनी लाइफ स्टाइल को ईजिली आप वर्क कर सकें। तो ये है सूटेबल टाइम टेबल। जैसे किसी ने किसी को 5 बजे सुबह उठना होता है और उसको उसने 5 बजे से लेकर 6 बजे तक उसका कोई काम नहीं होता, और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उसे लंच बनाना पड़ता है। तो अगर वो टाइम टेबल बना लेता है 5 से 9 बजे तक, तो 7 से लेकर 8 बजे तक जो लंच का वो वर्क करेगा वो कब करेगा, तो इससे वो उसका तो लाइफ स्टाइल बिगड़ जाएगा। लाइफ स्टाइल मतलब उसका जो रूटीन होगा वो तो बिगड़ जाएगा। हमें रूटीन को नहीं छेड़ना है, हमें ऐसा टाइम टेबल सेट करना है जो आपकी लाइफ स्टाइल की तरह हो, मतलब आपको उसको प्रोसीड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरा है प्रोसीड या टेस्ट मैच। अपने टीवी में टेस्ट मैच देखेंगे, कोई भी टेस्ट मैच बहुत जरूरी होता है किसी भी वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। ये एक तरह की सीढ़ी होती है टेस्ट मैच, समझिए किसी तरह की सीढ़ी होती है। अगर आप वो सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो आप ऊपर कैसे जाएंगे, अगर सीढ़ी नहीं होगी तो आप ऊपर ऑब्वियसली नहीं चढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको वो सीढ़ी की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो पहले फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, फोर्थ करते हैं, फिफ्थ करते हैं, फिर धीरे 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 आगे बढ़ के आप कॉलेज की तरफ जाते हैं। एकदम से आप LKG से सीधे कॉलेज में क्यों नहीं जाते, क्योंकि आपको उतना भी उसके बारे में पता नहीं होता, उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता। तो ये सीरीज जो है, ये टेस्ट मैच जो एक तरह का आपके लिए प्रैक्टिस मैच भी है, आप इसको प्रैक्टिस मैच कीजिए कहिए या टेस्ट मैच कहिए या फिर प्रोसीड कीजिए कुछ भी। जैसे पहले होता था, पहले हम हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो लड़ाई करने से पहले हमेशा एक प्लान बनाते थे, उसको हम एक तरह से टेस्ट मैच भी कह सकते हैं। प्लान बनाते थे और उस प्लान को वर्क करते थे, तो उस प्लान की तरफ चर्चा करते थे, कहते थे इस तरह से करते हैं, फिर वो अटैक करते थे। या फिर आजकल भी देख लीजिए, आजकल हमारी आर्मी जो है कई जगहों में प्रैक्टिस कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे प्रैक्टिस नहीं करके वो सीधे अटैक कर रहे, तो वो ऐसा नहीं दे सकती, किसी काम को करने से पहले उसको प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे कि अपनी मामा का डायलॉग था, मैं पहले भी वीडियो में इसको बोल चुका हूँ और आज भी इसको नजर आ रहा हूँ, ये है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है, समझे। ये एक बहुत ही जरूरी लाइन है जो आप अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा है एक्टिव, आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक्टिव रहना है। जैसे कई बार मैं आपको क्लास का उदाहरण देता हूँ, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं उनको वो सम तो आता है पर वो थोड़े मतलब वो सम उनको करने की इच्छा होती है पर वो थोड़े
डरे होते हैं या फिर कुछ और होता है कि अगर मैंने इसका ये आंसर दे दिया तो गातूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे या फिर टीचर क्या बोलेगा मेरे, इस चक्कर से वो उस आंसर को नहीं दे पाते। पर आपको इससे बचने के लिए एक आपको मैं टिप देता हूँ। कई बार क्या होता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है और वो जैसे किसी मान लो किसी सम को लिख रहा है, उस सम को लिख लिखते कोई कैलकुलेशन आ रही है तो वो बोलेगा कि आप जल्दी से इस कैलकुलेशन को मेरे को करके बताओ, क्योंकि कई बार वो टीचर आपको बताते हैं कैलकुलेशन की ताकि आप उसमें एक्टिव रहें, क्लास में एक्टिव रहें, तो ये आपको उसको जल्दी से समझने में ईजी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी जल्दी से सोल्व करके बताना है। इससे क्या होगा, टीचर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो आपके फ्रेंड होंगे वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको वो देखेंगे नहीं ये भी बोल रहा है या फिर ये भी कुछ कर रहा है। तो वो धीरे धीरे जैसे आपको जैसे वो आपको फिर थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे हाँ बहुत अच्छे या कुछ भी, तो जिससे आपका भी हौसला थोड़ा बढ़ेगा और आपको भी आप सोचेंगे अगली बार फिर से मैं इससे जल्दी करूँगा। तो धीरे धीरे जैसे आप इस तरह से करने लगेंगे आपको देखना, आप धीरे धीरे ऐसे करते करते आपको वो सब भी समझा जाएगा जो आपको कभी या फिर समझ नहीं आया होगा तो वो भी आपको समझाएगा और आपको क्लास में भी मजा आएगा, उस सब्जेक्ट को करने में मजा आएगा और उस क्लास में भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी। तो ये था ये कुछ तीन बातें। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात का टॉपिक है ये एम्बुलेंस। ये तो आप सभी की लाइफ में देखी होगी अपनी लाइफ में, कई बार क्या होता है हम गाड़ी लेके चले होते हैं रास्ते में और हमारे पीछे एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस चली होती है, वो हॉर्न बजा रही होती है, हॉर्न का क्या उसका फायर एक्सलेंट तो बजा ही होता है, अब एमरजेंसी में वो बजा ही होता है। तो हम कई बार क्या करते हैं उसको इग्नोर करते हैं और उसको पास नहीं देते, पर ये गलत है क्योंकि वो उस टाइम किसी लाइफ को बचाने का काम कर रही है। अगर उसकी जगह आप फैमिली मेम्बर होगा तो आपको ये नहीं सोचना कि वे कोई और है, आपको ये सोचना है कि मुझे मौका मिला है किसी के इलाज को बचाने का तो मैं जल्दी से जल्दी पास दूँ, या फिर चलो आपको ऐसा नहीं हुआ है तो आप कई बार आपके सामने से एम्बुलेंस गुजरती हुई देखी होगी आपने, तो आपने उस टाइम क्या करना है, उस टाइम आपने गॉड से प्रे करनी कि हे को इस एम्बुलेंस में जो भी जा रहा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि कई बार दुआ से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।